खबर दें आपको जिला नौशहरा फिरोज के शहर महाराजपुर से, जहां पे आपको बताते चले मजहर मुस्लिम मॉडल स्कूल की जानिब से एक साइंस फेयर मेले का इनेकाद, जिसमें तुलबा और तालबात के साथ साथ शहर के अफराद ने कसी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक की इस रिपोर्ट में। पर दे 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 जो था मोबाइल खराब कौन थी ली ना मोबाइल ना एक भरना ना यार कुआं यार नहीं छेड़ इसको दे 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 बिस्मिल्लाह दे 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 बंद और दे दे बाबा अच्छा तो नेड़ी आता है ए बसन ग्लास जो पार्टी में आ जा अजीज तुम एक तो साथ है असली में से काम आ मैं एक तो कर रेफर करवाए बैठ बैठ बैठे आजकल राखी
आया है और जैसा कि गांव में अक्सर लाइट नहीं आती, इस वजह से हम लैंप को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मैंने वाटर कलर और आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल किया। थैंक यू सर। आपने यहाँ पे तमाम स्कूलों का विजिट किया, क्या महसूस किया? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। हमारे जो तमाम कैंपसेस के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है और ये मेहनत जो है इस बात को की नुमाइंदगी कर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में है और इंशाल्लाह आगे जाकर ये कुछ बनेंगे। आई एम हिफ्जा एंड आई एम सुमैया। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने बनाया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में। हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती है, जो पानी से हम बिजली बनाते हैं उसका आज हम प्रोसेस बताएंगे इस प्रोजेक्ट के जरिए। जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं उनके ऊपर डैम बनाए जाते हैं और वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है और फिर वही स्टोर किए हुए पानी से वो जब टर्बाइन पे गिरते हैं तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है और वहाँ से बिजली बनती है। क्या महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत आलीशान साइंस फेयर है ये मीरापुर के लिहाज से, नहीं ये डिस्ट्रिक्ट नशोर फरोस और सिंध के लिहाज से भी ये जो कैंपस है हलाल है पब्लिक स्कूल, ये बहुत एक्टिव और बहुत शानदार। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने के लिए और पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए उनकी जो अंदरूनी जो उनकी छुपी हुई सलाहियतें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त। मैं इनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ये उस्ताद, ये जो टीचर हैं और ये जो पेरेंट्स हैं ये उनके लिए बहुत ही खुशी का बायस है। थैंक यू सर। है बारिश की आगाही, अक्सर जब हम घरों में सोए होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि बाहर बारिश आ रही है। जब हम बाहर जाकर देखते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा सामान भीग चुका होता है, तो हमने इसलिए ये बनाया है। इसके ऊपर जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं इसके अंदर एक घंटी बजती है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि बाहर बारिश आ रही है, तो हम बाहर जाके देख लेते अपना सारा सामान समेट लेते हैं ताकि बारिश से बचा रहे। ये मैंने क्रिकेट स्टेडियम बनाया, यहाँ लोग आते हैं मैच बैठकर एंजॉय करते हैं और यहाँ से लोग आते हैं, अगर तो वो गाड़ी पर आए तो वो अपनी गाड़ियों को पार्किंग में पार्क करते हैं और यहाँ से अंदर आते हैं। ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट खरीद कर अपनी सीटों पर बैठते हैं। ये दो स्पेशली सीट है, यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा होती है, इसके टिकट के पैसे भी ज़्यादा होते हैं। ये तीन पिच है, ये तो सॉफ्ट पिच है और ये एक हार्ड पिच है और ये पावर प्ले है और ये बाउंड्री है और ये ड्रेसिंग रूम है, इसको पवेलियन भी कहते हैं। ये खिलाड़ियों के बैठने की जगह है और ये कमेंट्री बॉक्स है जहाँ कमेंटेटर बैठकर कमेंट्री करते हैं और HPL का मोनोग्राम लगे हुए हैं। इसकी फुल फॉर्म है अभी बैंक लिमिटेड, ये इसलिए लगे हुए हैं, ये PSL पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं PSL को। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अरीशा। आई एम अलिशा एंड आई एम सायमा क्लास 8 और 174 से हैं। और ये जो हमने मॉडल बनाया ये है एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा में ऐसे नुकसान था जरात का दाखिल हो जाना जो हवा के माहौल को ख़राब करते हैं, इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और इसके असबाब में आता है ट्रैफिक का धुआं और मुख्तलिफ नबातात और ईंधन का जलाया जाना। ट्रैफिक का धुएँ में आता है ट्रैफिक का धुआं,
बगैर साइलेंसर के बाइक्स का धुआं और फैक्ट्रीज का धुआं। और जब ये हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हवा बहुत ज़रूरी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा के जरिए हमारे अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है इस आलूदगी में, वो दिल की बीमारी और सांस की बीमारी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो शख्स को सांस की प्रॉब्लम होती है, वो जब फैक्ट्री चढ़ रही होती है तो वो फैक्ट्रियों के करीब नहीं जा रहे होते, क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और दूसरा है मुख्तलिफ नबातात और ईंधन का चलाया जाना। मुख्तलिफ नबातात और ईंधन का चलाए जाने में आता है कुदरती तेल, कुदरती कोयला और कुदरती गैस वगैरह। इस आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में जो ट्रेन चलती थी वो चलती थी कोयले पर। जब वो कोयले पर चलती थी तो उसमें कोयला डालती थी तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेस खारिज होती थी, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अगर फैक्ट्रियों में काफ़ी जहाँ से धुआं निकल आता है वहाँ पे फिल्टर लगा दिया जाए तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो इतना डेंजर नहीं होता, उसका कोई इतना इश्यू नहीं होता। थैंक यू। जानते हैं कि कैसा आपने जो विजिट किया, आपको कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आज मेरा आना हुआ है। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये एक साइंसी मेला है और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक टैलेंट जो छुपा हुआ है वो सामने आ सके, और इसी तरह असातिज़ा ने जो मेहनत करवाई है बच्चों को वो भी सामने आ सके। और इस तरह के मेले हमेशा होते रहें, अगर ऐसे मेले होते रहेंगे तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक नया टैलेंट मिलेगा और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारा मुल्क पाकिस्तान आइंदा के लिए मज़ीद तरक्की करेगा। थैंक यू। ये हमें वाटर डैम बनाया है और ताकि बारिशों का पानी वो ज़ाया ना जाए। इस वाटर डैम में हम बारिशों का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और उस पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और उसके अलावा जब किसानों के पास पानी की किल्लत रहती है, पानी नहीं मिलता, तो हम इस वाटर डैम के ज़रिए किसानों तक पानी पहुँचा सकते हैं। हम इसे एक तो बारिशों का पानी होगा वो ज़ाया नहीं होगा, ये तो किसानों को हेल्प हो जाएगा और हमारी भी हेल्प हो जाएगी अगर हम इससे बिजली पैदा करें। तो हमारा वाटर डैम बनाने का यही मकसद है कि हमारे को बिजली मिल सके और किसानों की भी हेल्प हो। ये हमने लगभग 12-13 दिन लगे ये आपने क्या बनाया? ये मैंने सोलर सिस्टम बनाया है। ये सोलर सिस्टम मैंने इसलिए बनाया कि मैं दूसरों में ये दूसरों को सीख दे सकूं, दूसरों में ये जज्बा पैदा कर सकूं कि ये मैंने क्यों बनाया। ये मैंने इनके मालूमात देना चाह रहा हूं कि मैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी जैसे कि मैंने ये मर्क्यूरी के बारे में बताया है, ये लोहे का बना हुआ है और इसमें खलाइजर आपने इसे ढका हुआ है। अभी देखिए मैं मिसाल भी दे रहा हूँ ना कि अगर आग के ऊपर चमची रख दी जाए तो वो पिघल कर कैसे हो जाएगी, तो ये तो लोहे का बना हुआ है, इसमें इसमें ढका हुआ है, ये महफूज है, अगर ये छोड़ दिया जाए तो नुकसान है। इसको आज सेटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है वरना तो ये झूठ है। ये 80% आते हैं और 20% साइंस इसी में, ये नीचे पंप लगा हुआ है तो पंप की वजह से पानी ऊपर आ रहा है स्टेप बाई स्टेप नीचे। बाकी देखो कितने अर्से में ये क्या, ये इसको 15 दिन लगे। मैंने ये जिस तरह हमारा इदारा जी सी टी ग्रीक ट्रस्ट आरसी स्कीम को फ्री तालीम मुहैया करता है और उनकी तमाम तफसीलात का ख्याल रखता है और जो फीस अपने एक वजह की ऐसे नहीं दे सकते उनको फ्री शिफ्ट में तालीम हासिल कराता है। और इसी तरह आप लोग जानते हैं कि आल ओवर सिंध में जी सी टी की 150 तंजीमें कायम है, तो इंशाल्लाह हम ये आज हैद करते हैं कि जी सी टी चेयर ट्रस्ट फिर हम कायम करेंगे और आने वाले जो फ्यूचर में हमने इसको कायम करना है और लोग आवाम को अच्छे एक से एक सर्विस फराहम करनी है और फ्री तालीम फ्री जो इलाज के ये हमने प्रोजेक्ट बनाया नर्वस सिस्टम के बारे में और हमारा साइंस का फंक्शन चल रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए, ऐसे फंक्शन से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। हमारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे फंक्शन से। ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए।
जिस तरह हमारा इदारा है जिस की ग्रीक ट्रस्ट आरसी स्कीम को फ्री तालीम मुहैया करता है और उनकी तमाम तस्वीरियात का ख्याल रखता है और जो फीस अपने एक वजह की वजह से नहीं दे सकते उनको फ्री शिफ्ट में तालीम हासिल कराता है। और इसी तरह आप लोग जानते हैं कि आलम सिंह में जी सी टी की 150 तंजीमें कायम है, तो इन शाला हम ये आगे हैद करते हैं कि जी सी टी चेयर ट्रस्ट हम कायम करेंगे और आने वाले जो फ्यूचर में हमने इसको कायम करना है और लोग आवाम को अच्छे एक से एक सर्विस फराहम करनी है और फ्री तालीम फ्री जो इलाज के सहूलत हो जाएगी।